बहरहाल कोई पूरा वाकया जो आपने सुना शुरू है कि स्टार्ट। इमाम इस जगह पहुंचते हैं, सरदार था यहाँ, कुआं था इस जगह पर, और मासूम इस जगह पर पहुंचते हैं और फौजें इस जगह सब इकट्ठा थी, लेकिन मौला उनकी निगाहों के सामने से कब गुजर गए कुछ पता तक ना चला। और ये बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि आज बहुत प्यारा सब पूरा बन चुका है। पहले एक छोटी सी जगह थी, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह, और इधर वसी इधर भी रास्ता वो बनाया जा रहा है निकलने के लिए यहाँ के लिए, और इस तरफ भी बहरहाल ये रास्ता और 2 फ्लोर तकरीबन बनाया जा चुका है, ऊपर नीचे 2 फ्लोर बनाए जा चुका है। ये पहले एक छोटी सी जगह थी कि चंद लोग आते थे अंदर से, चंद लोग निकल जाते थे, अब लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, और माशाल्लाह लिफ्ट वगैरह लगा दी गई है कि जो जईफ लोग नीचे आना चाहें पहुंच सकते हैं। दुआ करते हैं कि आज जैसे मौला के बारगाह में इस सरदाब पर हम लोग पहुंचे हैं, इस जगह पर हम लोग आए हैं, ऐसे ही मौला का जहूर हो इंशाल्लाह, और जहूर आका हो उस वक्त जिस वक्त निदा मौला की आए कि बहरहाल कि मैं जहूर कर चुका हूँ। हम सब जैसे इस वक्त यहाँ शामिल हुए, मौला के घर पे आए हैं, इस सरदार पर पहुंचे हैं, उस वक्त सबके सब वहाँ इंशाल्लाह इसी तरह से पहुंचे। दुआ करते हैं परवरदिगार पालने वाले हम सबके जो जो शरई हाजतें हैं, बेहक अहले बैत, बेहक चारदा मासूमीन, उन सब के तमाम शरई हवाइज को पूरा कर दे, जिनके औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जिनके रोजगार है उन्हें रोजी से लगा दे, जो मकरूज है उनके कर्जों को अदा कर दे। आने वाले हमारे जमाने के इमाम के जहूर में जो जो रुकावटें, जिस तरह के जो मुश्किल है, उन सबको बरतरफ कर दे, जहूर हम सबके लिए बायस आफियत और रहमत करार दे। इंशाल्लाह दुआ है कि जैसे इस मकाम पे हम सब हाजिर हुए हैं, इसी इंशाल्लाह किसी और मकाम पर हाजिर होंगे बारगाह मौला में। यहाँ 2 रकात नमाज मौला इमाम जमाना की पढ़ता हूँ, कुर्बतन अल्लाह, और इंशाल्लाह उसके बाद रवानगी हो जाएगी।